सेकेंड डे की शुरुआत हमने करी है ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा था, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे हमने किया है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं चीटोस लेन पे, और उसके बाद हम जाएंगे बागा बीच पे। बागा बीच पे वैसे तो सारी एक्टिविटीज़ जो भी वाटर एक्टिविटीज़ है सारी बंद हो रखी है, हमने पता किया है किसी कारण से, लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और सी को थोड़ा देख सकते हैं। बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप, बैठ सकते हैं थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, इतना ही है। उसके अलावा अगर आपको कुछ खाना पीना है तो वहाँ पे बीच पे मिल जाएगा, सब कुछ वैसे ही है। सारे बीचेस का यही हाल है, अभी वाटर एक्टिविटीज़ बंद हैं, सिवा वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, और क्योंकि मौसम थोड़ा सा वैसा हो रखा है, गर्म वाला गर्मी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद देखेंगे हम वहाँ से कब जा सकते हैं। जैसे ही मौसम में लगेगा कुछ ज़्यादा गर्मी हो गई है उस समय वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम पंजिम जाएंगे, वहाँ पर कुछ देखेंगे, और वहाँ पर कुछ हमने सुना है कि कुछ बोट वगैरह राइडिंग वगैरह है तो वो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बागा बीच, फिर मिलते हैं वहाँ पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी बागा बीच, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा समंदर की लहरें दिखाई दे रही हैं। बस दिक्कत वही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टिविटीज़ वगैरह अभी बंद है, वाटर एक्टिविटीज़, तो वो हम नहीं कर सकते। बाकी समंदर की लहरों का मज़ा ले सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आप देखिए चारों तरफ कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है, हर बीच पर लगभग आपको ऐसे ही नज़ारा मिलेगा। कहीं पर भी वाटर एक्टिविटीज़ नहीं है, इस वजह से भीड़ भी कम है क्योंकि टूरिस्ट सीज़न नहीं है। अभी शाम को भीड़ काफ़ी अच्छी होती है, सूरज डूबने के बाद सनसेट देखने के लिए लोग काफ़ी आते हैं, उस समय भीड़ होती है। अभी तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यह है कि एक सुकून है, आराम से आप यहाँ आके अपना वक्त बिता सकते हैं। समंदर आपको पसंद है, समंदर देख सकते हैं, आसपास खा पी सकते हैं, सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमारा गोवा ट्रिप पूरा होता है यहाँ पर। अभी हम आ गए हैं बस स्टॉप, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे,
जब तक हम अपने स्टेशन नहीं पहुंच जाते, क्योंकि हमारी ट्रेन रात को है, तो थोड़ा सा टाइम वहां पे स्पेंड करेंगे, पास करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे अपने रेलवे स्टेशन और वहां से हमारा ट्रिप पूरा का पूरा गोवा का ट्रिप खत्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, सब लोग थक चुके हैं, घूम चुके हैं, बीच पे ही घूम रहे हैं, दो दिन से मज़े आ रहे हैं पूरे के पूरे। और गोवा दोस्तों के साथ आने का एक अलग ही मज़ा होता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा होता है, फैमिली के साथ एक अलग मज़ा होता है और दोस्तों के साथ एक अलग मज़ा होता है। तो आप जब भी गोवा आएँ, कैसे भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, एंजॉय करिए। दोस्त मेरे ये कॉलेज के थे, कॉलेज के दोस्तों के साथ आया हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आता है। तो आप भी अगर पुराने दोस्तों के साथ आएंगे तो आपको भी एक अलग सा मज़ा आएगा, पुराने दिन याद होंगे। ये हमारा एक तरह का रीयूनियन भी था, सारे दोस्त इकट्ठा हुए और घूमने आए, तो काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है, अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, थैंक यू।